अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या है? आज ऑफिस से जल्दी उठ गया तो शॉपिंग पे चला गया। वैसे शॉपिंग का तजर्बा नहीं है मुझे, जो दिल को अच्छा लगा कि मानो पे अच्छा लगेगा वो ले लिया मैंने। बैठिए अब्बू, मैं देख के बताती हूँ कैसा है। बहुत खूबसूरत है अब्बू। इसे भी शादी के जोड़ों के साथ रख देना। जी अब्बू। क्या बात है, शादी आगे होने से अफसरदा हो? नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए आप रीन की तबीयत से बढ़कर और कुछ नहीं है। फिर क्यों परेशान हो? ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर कोई जंग छिड़ी हुई है। जंग तो छिड़ी हुई है अब्बू, जीत गई तो सब मेरा, और अगर हार गई तो खाली हाथ रह जाऊंगी। हारोगी तो नहीं बेटा, क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसी तरबियत दी है कि बगैर लड़े हार नहीं मानूंगी। मैं कुछ कुरेदूंगा नहीं, ना ही पूछूंगा क्या मसला है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा किसी के साथ ना इंसाफी ना हो और ना ही सही और गलत के दरमियान के फर्क को भूलना। अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैंने आपकी सारी शर्ट्स इस्त्री कर दी और आपका वार्डरोब भी ठीक कर दिया है, बहुत मेसी हो रहा। मुझे लगा कि आप भी वकार भाई की तरह डिसिप्लिन होंगे। नहीं, मैं भाईजान जैसा नहीं हूं और ना उन जैसा बनना चाहता हूं। क्यों? वकार भाई तो हर तरह से आइडियल है। मेरे लिए सिर्फ वो शख्स आइडियल है जो हर एक को उसकी खूबियों और खामियों के साथ एक्सेप्ट करे। भाईजान ऐसे नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो किसी भी तरह आइडियल नहीं है।